गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भारत ने पहले T20 में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। भारत ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से रवि बिश्नोई ने मैच में डेब्यू किया। बिश्नोई को साथी खिलाड़ी चहल ने मैच से पहले कैप पहनाया। वेस्टइंडीज का पहला विकेट पहले ओवर में ही ब्रेंडन किंग को भुवनेश्वर ने आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद वेस्टइंडीज कुछ मजबूत लग रहा था, लेकिन रवि बिश्नोई ने 91वें ओवर में मैच का रुख बदल दिया। बिश्नोई ने ओवर की दूसरी गेंद पर रोस्टन चेंज को आउट किया, फिर 5वीं गेंद पर बेहद खतरनाक रोमन पावेल को आउट किया। निकोलस पुरन की अशतकीय पारी से वेस्टइंडीज टीम चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में सफल रही। कप्तान किरण पोलार्ड ने 24 रन और मारियस ने 31 रन बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से सर्वाधिक रन निकोलस पुरन ने 61 रन बनाए। भारत की तरफ से रवि बिश्नोई और हर्षल पटेल को 2-2 विकेट मिला। भुवनेश्वर दीपक चहर और यजुवेंद्र चहल को 1-1 विकेट मिला। जवाब में भारत की शुरुआत बहुत अच्छी रही। पहले विकेट के लिए रोहित और ईशान ने 24 रन जोड़कर टीम को ठोस शुरुआत दिए। रोहित ने ताबड़तोड़ 19 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिससे 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। रोहित को रोस्टन चेज ने आउट किया। रोहित के आउट होने के बाद कोई भी बड़ी साझेदारी नहीं हो सकी। विराट ने शुरुआत अच्छा की है, लेकिन उन्हें लंबी पारी में तब्दील नहीं कर सके। विराट ने 17 रन बनाए। ईशान किशन धीमी बल्लेबाजी की, लेकिन 42 गेंद पर 35 रन बनाए। पंत फिर एक बार फेल हुए, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने 34 रन और वेंकट अय्यर ने 24 रन बनाकर नवाद लौटे। वेंकटेश अय्यर ने छक्का जड़कर जीत पर मुहर लगाई। प्लेयर ऑफ द मैच रवि बिश्नोई को मिला। नेक्स्ट T20 मैच 18 को कोलकाता में ही खेला जाएगा। क्या भारत मैच जीतकर श्रृंखला जीत पाएगा या वेस्टइंडीज वापसी करेगा? अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।